हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, हम आज रुचिरा प्रथम भाग से षष्ठ पाठ समुद्र तट के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर एक है, उच्चारणम कुरु, उच्चारण करो। तो हम उच्चारण के साथ साथ यहाँ पर इन शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। सबसे पहले तरंगे हा, लहरों के साथ, मत्स्य जीविना हा, मछुआरे, विदेशी पर्यटकेभ्य, विदेशी पर्यटकों के लिए, संगम मिलन, तीसरसु तीनों में, वैदेशिक व्यापार आय विदेशी व्यापार के लिए, प्रायद्वीप प्रायद्वीप तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग, बंगोपसागर बंगाल सागर, चंद्रोदय चंद्र उदय। प्रश्न नंबर दो है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। कह है इसमें, जनाः काभिः जल विहारम कुर्वन्ति, लोग किसके द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं। उत्तर हो जाएगा इसका, नौकाभिः, नावों के द्वारा। खमे भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः क, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। उत्तर हो जाएगा इसका, मेरीना तटः, मेरीना तटः। प्रश्न नंबर ग, जनाः कुत्र स्वेरं विहरन्ति, लोग बेरोक टोक कहाँ घूमते हैं। उत्तर होगा इसका, मुंबई नगरस्य, मुंबई नगरस्य जुहू तटे, जुहू तट पर, मुंबई नगर के जुहू तट पर, जुहू तटे। अगला इसमें है, घ बालुका भी है किम रचयंती, बालक बालू से क्या बना रहे हैं। तो उत्तर इसका होगा, बालू का ग्रहम, बालू का ग्रहम, बालू का घर बना रहे हैं। कोची तट केभ्य ज्ञायते, कोची तट किसके लिए जाना जाता है। इसका उत्तर होगा, नारी केल फलेभ्य, नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर तीन इसमें है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से उचित पद चुन करके रिक्त स्थान पूरे करने हैं। यहाँ मंजूषा में शब्द दे रखे हैं, बंगोपसागर प्रायद्वीप पर्यटनाय क्रीड़ा संगम। क इसमें है, कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम भवति, कन्याकुमारी तट पर तीन सागर को होता है, क्या होता है, संगम। तो मंजूषा से हम यहाँ लिख देंगे, संगम। अगला इसमें है, भारत देश इति कथ्यते, तो यहाँ मंजूषा से आएगा, प्राय दीप। गम है, जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति, तो यहाँ आ जाएगा इसमें, पर्यनाय घूमने के लिए। अगला इसमें है, बालेभ्यः रोचते, बालक के लिए
अच्छा लगता है वो है क्रीड़ा, खेलना। ड में है भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में है वो है बंगोप सागरः। प्रश्न नंबर 4 है यथा योग्यम योज्यत, सही के साथ में मिलाना है। समुद्र तट है घूमने के लिए, तो वो आएगा यहाँ पर पर्यटकों के लिए है, तो यहाँ लिखेंगे हम पर्यटनाय। क्रीडनकम खिलौना होता है खेलने के लिए, तो यहाँ आ जाएगा इसमें खेलनाय। दुग्धम के साथ पोषणाय, तो हम लिख देंगे यहाँ पोषणाय पोषण के लिए। दीपकः दीपक प्रकाश के लिए, तो लिखेंगे प्रकाशाय। और विद्या है ज्ञान के लिए, तो यहाँ आ जाएगा विद्या का ज्ञानाय। अगला इसमें प्रश्न है तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्य, तृतीय विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थान पूरे करने हैं, तो यहाँ एक उदाहरण भी दे रखा है। व्योमः मित्रेण सह गच्छति, व्योम मित्र के साथ जा रहा है, यहाँ मित्र है कोष्टक में, तो यहाँ मित्र की तृतीय विभक्ति बन गई मित्रेण। तो क में है यहाँ बालकाः सह पठन्ति, कोष्टक में दे रखा है बालिका, तो इसकी तृतीय विभक्ति हम बनाएंगे, तो बनेगा बालिका भीह। यहाँ बालकाः बहुवचन है, क्रिया भी यहाँ बहुवचन दे रखी है, तो हमें ये भी तृतीय विभक्ति भी इसकी बहुवचन बनानी है। ख में है तड़ागः भी भाति, यहाँ कोष्टक में दिया है कमल, तो कमल की तृतीय विभक्ति बनेगी कमलेन। ग में है अहम अपि खेलामी, कोष्टक में दे रखा है कंदुक, और कंदुक की तृतीय विभक्ति होगी कंदुकेन, गेंद से, गेंद के द्वारा। घ में है अश्वाहा सह धावंती, कोष्टक में भी दे रखा है अश्व, तो अश्व या अश्वाहा और धावंती बहुवचन है, अश्व भी हम बहुवचन में लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं अश्वेभ्यः, तृतीय विभक्ति हो गई इसकी। मृगाः सह चरन्ति, अड़ा में है और कोष्टक में दे रखा है मृग, तो मृग की भी यहाँ तृतीय विभक्ति बनेगी मृगेभ्यः। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितम व्रतचित्रम पश्यत, नीचे जो व्रतचित्र दे रखा है उसको देखो। उदाहरणानुसारेण कोष्टक गते है शब्दे है उचित वाक्यानि रचयत, उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए हुए शब्द से उचित वाक्य की रचना करनी है, तो हमारे पास में ये व्रतचित्र दे रखा है और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 8 यहाँ कोष्टक बना रखे हैं, इनमें से हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला क्रीडति सह मित्र और रहीमह से वाक्य यहाँ उदाहरण में बनाया हुआ है, वो है रहीमह मित्रेण सह क्रीडति। इसी प्रकार से हमें भी इसमें से निकाल करके बनाने हैं, तो हमारे पास में दूसरा वाक्य है गच्छति आपणम द्विचक्रिका रहीमः, तो यहाँ द्विचक्रिका की हमें तृतीय विभक्ति बनानी है और बाकी रहीम आपणम और गच्छति वैसे के वैसे ही लिखने हैं, तो बनाते हैं इसका वाक्य। इसके बाद में आगे भी मैं इसमें बता दूँ। नंबर 3 है लिखती पत्रम कलम और रहीमः, तो यहाँ भी कलम की तृतीय विभक्ति बनानी है हमें,
बाकी ये शब्द वैसे के वैसे आएंगे। नंबर चार पंक्ति जो है वो है क्षिपति, कंदुकम, हस्त और रहीम। तो यहाँ हस्त की तृतीय विभक्ति बनेगी, बाकी शब्द वैसे के वैसे आएंगे। नंबर पाँच में करोति, जलविहारम, नौका, रहीम, तो यहाँ नौका की तृतीय विभक्ति बनानी है। नंबर छः पिबति, जलम, चषक और रहीम, तो यहाँ चषक की तृतीय विभक्ति बनानी है। रचयति, चित्रम, तुलिका, रहीम, तो यहाँ तुलिका की तृतीय विभक्ति बनाएंगे। और नंबर आठ में है आगच्छत, हा, वायुयान और रहीम, तो इसमें वायुयान की तृतीय विभक्ति बन जाएगी। तो हमें इनकी तृतीय विभक्ति बनानी है जो दूसरे कोष्टक में रहीम के साथ में दे रखे हैं, और फिर पूरा वाक्य बनाना है। बाकी शब्द वैसे के वैसे आने वाले हैं, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य हम बनाते हैं, इसमें नंबर दो एक बना हुआ है। दो में हम लिखते हैं रहीमः, द्विचक्रिका की तृतीय विभक्ति हो जाएगी द्विचक्रिकया, आपणम, यहाँ पूर्ण विराम हमें हटाना पड़ेगा, आपणम यहाँ आ जाएगा, गच्छति, यहाँ थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं शब्द, आप बिल्कुल सही तरीके से लिखेंगे। तीसरा हम वाक्य बनाएंगे इसी में से जो अभी हमने पढ़ा था, तो हम लिखते हैं यहाँ रहीमः, कलम की बनाएंगे तीसरी विभक्ति, कलमेन, पत्रम, लिखति, इन वाक्यों के अर्थ बता देती हूँ मैं एक बार। रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, रहीम मित्र के साथ खेल रहा है। रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, रहीम द्विचक्रिका से बाजार जा रहा है। रहीमः कलमेन पत्रम लिखति, रहीम कलम से पत्र लिख रहा है। नंबर चार वाक्य हम बनाएंगे यहाँ रहीमः हस्त की तृतीय विभक्ति हो जाएगी यहाँ हस्तेन, कंदुकम, क्षिपति, क्षिपति, रहीम हाथ से गेंद को फेंक रहा है। नंबर पाँच वाक्य हम बनाएंगे यहाँ, इसका वाक्य हम लिखते हैं, पाँच नंबर पर है करोति जलविहारम, तो हम लिख देते हैं रहीमः, यहाँ नौका की तृतीय विभक्ति बनेगी नौकैया, जलविहारम, हारम, पूर्ण विराम नहीं गिनेंगे यहाँ पर, आगे लिखते हैं करोति। नंबर छः पर हम वाक्य बनाएंगे रहीमः, इसमें चषक की तृतीय विभक्ति हो जाएगी चषकेन, अगला इसमें है जलम, पिबति। नंबर सात पर लिखेंगे रहीमः, तुलिका की तृतीय विभक्ति हो जाएगी तुली कैया, चित्रम, रचयति,
ये पूर्ण विराम जो आया हुआ है हम बाद में लगाएंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे। और नंबर 8 में हम लिखेंगे अंतिम वाक्य इसका बनेगा, वो है 8 पर आ रखा है आगच्छत हा वायु यानी रहीम, तो लिखेंगे रहीम वायु याने, तृतीय विभक्ति वायुयान की बन गई वायुयाने, और ह यानी बीता हुआ कल भूतकाल में यहाँ लिखेंगे आ गच्छत। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है, कोष्ठ का उचित विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्ठक से उचित प्रयोग के द्वारा रिक्त स्थान पूरे करो। तो यहाँ दे रखा है कै में धनिकः धनम ददाति, धनवान धन देता है किसके लिए, निर्धनाय। बालः विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है किसके लिए जाता है, वो पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए अर्थ हुआ पठनाय का, तो यहाँ लिख देंगे हम निर्धनाय और यहाँ लिखेंगे पठनाय। अगला इसमें है, सज्जना जीवंती, सज्जन लोग जीते हैं किसके लिए जीते हैं, परोपकार के लिए, तो यहाँ हो जाएगा परोपकाराय। घ में है प्रधानाचार्य पारितोषिकम यच्छति, पारितोषिक देते हैं किसके लिए, छात्रों के लिए, तो यहाँ हो जाएगा छात्रेभ्यः। और अंतिम इसमें है नमः, नमस्कार किसके लिए, नमस्कार शिक्षकों के लिए, तो यहाँ लिखेंगे हम शिक्षक के लिए नमस्कार में शिक्षकाय। अभ्यास प्रश्न पूरे हैं, हो चुके हैं, इनको कंठस्थ कर लीजिए। धन्यवाद।